ये एक मामला अरे पीछे तो आया तुम अभी एक मिनट दो बार उठना होगा ना अरे भाई रुक गया बेबो अरे रुक गया ना तो यार शॉट बन जाओ ना मामला गड़ा कोटा से संबंधित राकेश नायक जी इनकी जमीन 74 डिसमिल वहाँ पर जो बस स्टैंड है उस बस स्टैंड की ज़मीन पर नगर पालिका एक इमारत बनाना चाहती है मान आवंट बनाना चाहती है और शायद ये तय हुआ है कि 19 तारीख को इसी महीने में मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन भी करें। ये कोर्ट गए हाई कोर्ट में पिछले साल उसमें परमिशन नहीं दी और स्टे दे दिया कि उसमें स्टेटस को रहे कोई भी भवन न बने, लेकिन हमारे वहाँ के वर्तमान मंत्री और प्रभावशाली नेता भारतीय जनता पार्टी, ये भी बता दूँ कि नायक साहब भी भारतीय जनता पार्टी, वहाँ पर उनका कहना है कि गढ़ा कोटा भोपाल का सुप्रीम कोर्ट चलता है, दूसरे का नहीं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप लोग सुन रहे हैं और हम न स्टे जानते हैं न वो जानते हैं। बिल्डिंग तन गई तन रही है जो बचा और इनको मारने की जान से मारने की तरफ ये कल शाम मेरे पास आए सब दरवाजे खटखटाने के बाद कि मेरा कहीं कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कहा भाई मैं एक नागरिक के नाते आपको मंत्री जी के पास ले जाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इसमें न्याय आपको दिला। स्टेटस को जब मेंटेन होना चाहिए तो स्टेटस को रहे। मंत्री महोदय ने बड़े कृपापूर्वक कलेक्टर को फ़ोन किया है, ये लोग अभी जा रहे हैं और अपना आवेदन दे। उम्मीद ये है, हमारी ये है कि इस तरह की पूरी जांच हो जाए, ज़मीन किसकी है, कोर्ट ने स्टे दिया है, कोर्ट ने अधिकार इनका है, तो कृपया करके इसमें आगे कार्रवाई ना। भैया कुछ दिन पहले अभी सैन वर्मा भी आए थे राजस्व, तो उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे लोग जो षड्यंत्रकारी हों, फुर्सत में हों, कुछ भी कहीं भी कह रहे हों,